अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो कि चाइना से निकलकर इंडिया के आसाम में पहुंच चुका है। ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर क्या है? इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि ये फीवर क्या है, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, इसका इम्पैक्ट क्या है। मैं शशि ठाकुर, वेलकम टू बुखाइफ एजुकेटर्स। दोस्तों, क्या ये वायरस इंडिया में COVID-19 की तरह ही चाइना नहीं फैला है क्या इसको? हाँ दोस्तों, इंडिया में ये वायरस 100 साल के बाद देखा गया है, ऐसा कहा जा रहा है। और COVID-19 की तरह ही दोस्तों, इसकी भी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, और ये COVID-19 से भी खतरनाक है, क्योंकि इसका जो मॉर्टेलिटी रेट है, यानी जो मरने का परसेंटेज है, वो 90-100% है। और हमारे लिए ये खुशी की बात है कि ह्यूमन लाइव्स, यानी इंसानों पर इस वायरस का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता। अभी तक ऐसा कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। इससे सिर्फ पिग्स मरते हैं, यानी कि सिर्फ सुअर ही मरते हैं। चलिए पहले इस न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, आसाम जहाँ पर की जो पोरकॉइन इंडस्ट्री है, यानी जो सुअरों की जो इंडस्ट्री है, वहाँ पर ऑलरेडी लॉसेस चल रहे थे COVID-19 के लॉकडाउन की वजह से। और उसी के बाद ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर वहाँ पर उभर गया, जिससे कि आसाम में 17,000 पिग्स मर गए और अरुणाचल प्रदेश में भी 4,500 पिग्स मर गए, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट एरिया में है। और आसाम ने ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन था कि पंजाब और हरियाणा से हमारे नॉर्थ ईस्ट में पिग्स को लाया जाए, ट्रांसपोर्ट किया जाए, आसाम ने इस डिसीजन को अपोज किया है, क्योंकि आसाम का ये कहना है कि अगर बाहर से पिग्स लाए गए नॉर्थ ईस्ट में, तो आसाम स्टेट गवर्नमेंट ने और जितने भी ये नॉर्थ ईस्ट गवर्नमेंट्स ने जो भी मेजर्स लिए हैं इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए, वो कमज़ोर हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं अफ्रीकन स्वाइन फीवर होता क्या है। दोस्तों, अफ्रीकन स्वाइन फीवर से इंसानों को कोई खतरा नहीं है, इंसानों को कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन सुअरों के लिए ये काफ़ी खतरनाक है। और इंडिया में ये जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर देखा गया है इस बार, ये कहा जा रहा है कि ये इंडिया में पहली बार पाया जा रहा है। सितंबर 2019 में दोस्तों ये डिसीज पाया गया था चाइना में, जहाँ की बहुत बड़ी पिग पॉपुलेशन को ये साफ कर गया था। और चाइना दुनिया का सबसे बड़ा पोर्क एक्सपोर्टर और कंज्यूमर है, यानी सुअर का जो मांस होता है, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर और कंज्यूमर है। और इसीलिए चाइना में लार्ज स्केल कलिंग की गई थी। कलिंग यानी जो इन्फेक्टेड पिग्स थे उनको छाटा गया था, और जो हेल्दी पिग्स थे उनको भी छाटा गया था। तो इसी की वजह से जो पोर्क का प्राइस था, जो सुअर के मांस का प्राइस था, उसमें 50% इंक्रीज हो गया था। ASF एक वायरल डिसीज है जो कि जंगली और पालतू सुअरों दोनों को हो जाता है, जिसमें उनको एक खून से रिलेटेड बुखार हो जाता है। ये इस बीमारी का केस फेटेलिटी रेट यानी CFR 100% है, यानी अगर ये बीमारी किसी भी पिक को हो जाती है तो उसके मरने के चांसेस 100% है। और ये ट्रांसमिट अलग अलग तरीके से होता है, जैसे कि अगर एक हेल्दी पिक एक इन्फेक्टेड पिक के कांटेक्ट में आ जाए, भले वो इन्फेक्टेड पिक जिंदा हो या मरा हुआ हो, तो भी ये डिसीज जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। इसके अलावा इनडायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू भी होता है। अगर किसी पिग ने कंटेमिनेटेड खाना खा लिया, गार्बेज खा लिया, या फिर बायोलॉजिकल वेक्टर्स के थ्रू भी हो सकता है। दोस्तों, ये जो होते हैं ये बायोलॉजिकल वेक्टर्स होते हैं, यानी ये बीमारी नहीं करते, ये इनकी वजह से बीमारी नहीं होती। ये क्या करते हैं, अगर कोई पिग इन्फेक्टेड है तो उसके ऊपर से पैथोजेंस उठा के ये एक हेल्दी पिग के ऊपर रखते हैं, तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इस बीमारी के अगर हम सिम्टम्स देखें या कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, तो ऐसा होता है कि पिग्स जो है उनमें सडन डेथ हो जाती है, यानी वो अचानक ही मर जाते हैं, या फिर उनको बुखार हो जाता है, या फिर उनका खाने में से इंटरेस्ट निकल जाता है, या फिर वॉमिटिंग हो जाती है, या स्किन से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम्स हो जाती है, या फिर उनको दस्त लग जाते हैं। तो एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है, इसको अगर डिटरमाइन करना है तो लेबोरेटरी टेस्ट से ही डिटरमाइन किया जाए, ताकि इसको डिफ्रेंशिएट किया जा सके क्लासिकल स्वाइन फीवर से। CSF जो भी ASF के से ही सिमिलर ही है, लेकिन ये किसी और वायरस से फैलता है, और उसके लिए वैक्सीन भी ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में।
और ASF तो दोस्तों ऐसे भी खतरनाक है, लेकिन इसका जो संक्रमण करने का जो रेट है, यानी जो इन्फेक्शन का रेट है, वो दूसरे एनिमल डिसीजेज से कम है, जैसे कि फूट एंड माउथ डिसीज। लेकिन अभी इसका कोई भी अप्रूव्ड वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए पिग्स को बचाने के लिए उनको छांटा जा रहा है, उनकी कलिंग की जा रही है। और जिस किसी भी देश में प्रोकाइन इंडस्ट्री है, ये जो पिग सेक्टर है, वो सारे रिस्क पे है कि वहाँ पर भी ये डिसीज़ फैल सकता है। और फैलने का कारण ये है कि जो समुद्री जहाज़ हैं और जो हवाई जहाज़ हैं, उन पर गलती से अगर इसका मीट रखा जाए, या फिर जो ट्रैवलर्स हैं वो खुद अगर इस तरह का मीट ये लेकर ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनसे ये फैल सकता है। और ये जो वायरस है, इसको पहली बार यूरोप में पोर्चुगल देश में देखा गया था 1957 में, जबकि ये वेस्ट अफ्रीका से पहुंचा था वहां पर। अब ये देखते हैं कि ये जो करंट बीमारी स्टार्ट हुई है, इसमें कौन कौन से देश अफेक्ट हुए हैं, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ है। तो यूनाइटेड नेशंस का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के लेटेस्ट अपडेट द्वारा ये कहा गया है कि ये जो करंट आउटब्रेक है, इससे अफेक्ट होने वाली कंट्रीज हैं चाइना, मंगोलिया, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, फिलीपींस, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इंडोनेशिया के साथ साथ कुछ और भी देश है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर ये सारी कंट्रीज लोकेटेड हैं। और चाइना में जो पहला केस पाया गया था, वो अगस्त 2018 में पाया गया था, और तब से लेके आज तक अराउंड 10 लाख पिग्स को कल कर दिया गया है, यानी उनको छांट दिया गया है। और वियतनाम में इसका पहला केस पाया गया था फरवरी 2019 में, और तब से लेके आज तक वियतनाम में अराउंड 60 लाख पिग्स की कलिंग कर दी गई है। और ऑफिशियल्स की अगर बात माने, तो इंडिया में ये ASF जो आया है, वो आया है अरुणाचल प्रदेश में। पहले वो आया था तिब्बत से अरुणाचल में, और फिर अरुणाचल से फिर वो आसाम में पहुंच गया। लेकिन अभी तक ये इस रूट की पुष्टि नहीं हुई है, अभी तक कंफर्म नहीं बताया जा रहा है कि ये इसी रूट से आया है। और आसाम में दोस्तों, इंडिया में सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है पिग्स का। और पिछले ही महीने दोस्तों, आसाम गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था पिग्स को मारने पर, और पिग्स का जो मीट है उसके सेल करने पर बैन लगा दिया था, क्योंकि आसाम गवर्नमेंट ने कुछ पिग्स के सैंपल्स भेजे थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीजेस भोपाल में, जो कि लोकेटेड है। और फिर उस सैंपल्स का रिजल्ट ये आया था कि जितने भी पिग्स थे आसाम में, जिनका सैंपल्स भेजा गया था, वो इस डिसीज के लिए पॉजिटिव पाए गए थे। और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ का ये कहना है कि 2018 से 2019 तक ये डिसीज जो है, ये यूरोप के 3 कंट्रीज में फैल चुका था और अफ्रीका के 23 कंट्रीज में फैल चुका था। अब हम देखते हैं इस बीमारी का इम्पैक्ट क्या रहा है इंडिया पर, और ग्लोबली क्या इम्पैक्ट रहा है। दोस्तों, चाइना जहाँ पर दुनिया की आधी पिग पॉपुलेशन पाई जाती है, यानी दोस्तों दुनिया में जितने भी पिग्स हैं, उसमें से आधे जो हैं वो चाइना में पाए जाते हैं। तो वहाँ पर जब से ये बीमारी फैली है, तब से मासिव स्केल पर कलिंग की गई है, यानी जो स्वस्थ पिग्स हैं, हेल्दी पिग्स हैं, उनको छांटा गया है इन्फेक्टेड पिग्स से, ताकि इसके स्प्रेड को रोका जाए। और जो पोर्क का जो मीट होता है, उसकी प्राइजेस भी बढ़ गई है, क्योंकि ये चाइना का फेवरेट प्रोटीन कहा जाता है इसको। और इससे दोस्तों, जो पोर्क मीट खाने वाले जो कंज्यूमर्स हैं, उन पे ही इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन जो छोटे किसान हैं, जो पिग की फार्मिंग करते हैं, जो पिग्स को पालते थे, उनके ऊपर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि वो अपने पिग्स को इस बीमारी से बचा सकें। इवन दोस्तों, इंडिया में भी, आसाम में भी जो पिग फार्मर्स हैं, उनके ऊपर भी डबल मार पड़ी है, क्योंकि हमने देखा ऑलरेडी लॉकडाउन की वजह से जो पिग का मीट है, उसके सेल्स में कमी आ गई थी। और जैसे ही ASF वहाँ पहुँचा, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को, जो पोर्क मीट का एक्सपोर्ट बनाने का हब का जो सपना था, वो भी बर्बाद हो गया है इस बीमारी के पहुंचने से। और दोस्तों, दुनिया भर में भी ऐसे ही सिचुएशंस हैं मोस्ट ऑफ द जितने भी कंट्रीज हैं, क्योंकि इकोनॉमिक मॉडल्स ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जो पोर्क मीट का जो प्राइस है पूरी विश्व भर में, अलग अलग देशों में, वो काफ़ी बढ़ गया है। अराउंड 17 से लेके 85% तक का प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है। और क्योंकि पोर्क मीट जो है, उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि प्रोडक्शन उतना हो नहीं पा रहा है,
इसलिए जो दूसरे मीट्स हैं, दूसरे जानवरों के मीट्स हैं, उनकी डिमांड बढ़ गई है और उनका भी प्राइस बढ़ गया है। और क्योंकि दोस्तों चाइना जो है वहाँ पर दुनिया के आधे पिग की पॉपुलेशन है और वहीं पर पिग मीट का जो प्रोडक्शन है उसमें गिरावट आ गई है, इसलिए जो ग्लोबल प्रोडक्शन है यानी पूरी दुनिया में जो पिग मीट का प्रोडक्शन होता है उसमें भी गिरावट आई है अराउंड 9 से लेके 34% तक की। इसके अलावा कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स जो थे पोर्क मीट के, उनके ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ा ही है, लेकिन कंज्यूमर्स के ऊपर भी दूसरा इम्पैक्ट ये पड़ा है कि उनको सब्सटीट्यूट करना पड़ रहा है अपनी मीट और प्रोटीन नीड्स को, तो वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं दूसरे मीट्स पर। जो दूसरे मीट्स का जो प्रोडक्शन रेट है और जो प्राइस रेट है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल हम हाजिर होंगे आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।